दोस्तों निहाल और नितिन ये दोनों फ्रेंड्स हर महीने 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी इंडेक्स फंड में और दोनों को अपनी 40th बर्थडे पर रिटायरमेंट लेना है। बस फर्क इतना है कि निहाल ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और नितिन ने 15 साल की उम्र में, मतलब निहाल टोटल 20 साल तक इन्वेस्टेड रहा और नितिन सिर्फ 15 साल, यानी दोनों में सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है। बाकी टोटल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अब यहां आप देख सकते हो निहाल का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 48 लाख का और नितिन का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 36 लाख का और दोनों का रिटर्न 15% का है। तो रिटायरमेंट के टाइम पर निहाल की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई 3 करोड़ और नितिन की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई 1.3 करोड़। दोनों ने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया, एक ने 20 साल और एक ने 15 साल और दोनों में सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है। और इसी 5 साल की डिले की वजह से निहाल के पास नितिन के मुकाबले डबल पैसा होगा, क्योंकि 15% के रेट से आपका पैसा हर 5 साल में डबल हो रहा है। तो अगर नितिन को निहाल जितने पैसे चाहिए तो उसे और 5 साल इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है कंपाउंडिंग में टाइम की वैल्यू, इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना चाहिए।